हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं थोड़ा देर से वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि काम में थोड़ा अटकी थी, इसलिए मैंने गुड मॉर्निंग नहीं करी। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये देखो, मैंने यहाँ पे पापड़ वगैरह सब रखे हुए थे सवेरे से, तो वही चेंज करना पड़ता है। वहाँ थी, फिर धूप यहाँ थी, फिर यहाँ थी, तो ये सब मैं वही चेंज करने भी आई थी। थोड़ा धूप से हट जाऊँ। देखो आधी जगह छाई हो गई है, आधी जगह धूप है, तो इसको बार बार ना चेंज करना पड़ता है। तो वही करने भी आई थी, अब जाके मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। सोचो कितनी देर से, क्योंकि आज टाइम भी नहीं मिला, तो अब जाके कर रही हूँ स्टार्ट। अभी भी काम पड़ा हुआ है, पता है। खैर, मेरा पैर का दर्द बता दूँ कि ठीक है, क्योंकि कल मैंने वीडियो में बताया नहीं था, आज मैं बता रही हूँ कि मेरा दर्द अभी ठीक है। और देखो साबुदाने का एक दलिया रखना ही भूल गई हूँ। अभी मैं ऊपर नहीं आती ना तो पता ही नहीं चलता। यही ड्यूटी पूरा रोज की रहती है, पता है, बार बार आना, बार बार इसकी जगह चेंज करना, क्योंकि धूप तो यार एक जगह पे नहीं रहती ना, वो तो शिफ्ट होती रहती है। इधर से यहाँ तक देखो बस है, उधर नहीं है, हम वहीं पर खड़े होते हैं चल के। तो पैर का दर्द मेरा काफ़ी ठीक है, सुबह से आज हम दो बार तीन बार ऊपर ही आ गए, तो समझ लो ठीक ही है। और क्या ही बात करें, आज लंच वंच भी हो गया है। लंच में बहुत दिनों से लोग डोसा डोसा इडली डोसा कह रहे थे, तो आज बड़े दिनों के बाद डोसा इडली बनाया। दिखा इसलिए नहीं पाई क्योंकि कोई घर उस समय ये थे नहीं, मतलब हस्बैंड थे नहीं, और बेटी भी कहीं अपने काम से वो मतलब कहीं गया, वही अपने कोचिंग में गई हुई थी, तो किससे मैं कहती, तो अपने से हो नहीं पाया। और जब ये लोग आए तो फटाफट मतलब आए नहीं, मतलब खाना के जा रहे थे, तो उस समय हड़बड़ी थी मेरे को, तो किसी से कहा भी नहीं, मैं खुद भी नहीं बना पाई। और जब आए तब तक ख़त्म हो चुका था। नेक्स्ट टाइम बताऊँगी, ऐसे सबको पता, मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, कितनी बार डालूँगी यार एक ही चीज़, मुझे खुद बोरियत हो जाती है। एरोप्लेन निकल रहा है ऊपर से, किसको किसको देखना अच्छा लगता है, अभी भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कितनी बार बैठ चुकी हूँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता नहीं है। और मैं अगर आवाज़ आ जाती है ना, मैं ढूंढती हूँ, अभी समय दिन में तो यार देखो दिख नहीं रहा है। बट किसको किसको पसंद है ऐसे प्लेन ऊपर देखना, तो कमेंट करके बताना। अच्छा, आज मेरा कहीं यहाँ जाने का ऐसा है नहीं, लेकिन हो सकता है बन भी जाए, क्योंकि जो टेलर के यहाँ कपड़े पड़े दिए गए थे ना बहुत सारे, वो हो गए हैं। तो उसका फ़ोन आया था आज सुबह सुबह, तो देखो बोला है आके ले लीजिए, देखते हैं अगर मौका लगा तो जाएंगे, और नहीं लगा तो नहीं जाएंगे। और यहाँ वाली जो दीदी हैं जिनके यहाँ देने गई थी, मैं पैदल पैदल गई थी एक बार, या करीबन हो गया होगा उनको दिए हुए 15 से 20 दिन, शायद फरवरी के एंड में दिया था, मार्च का चल रहा है आज 21, और सोचो 20-21 दिन हो गए, उनको कोई खबर ही नहीं है। उनके पास मेरे 3 ब्लाउज हैं, 1, 2, 3 कुर्ती हैं, 3 में मतलब मेरी नहीं है, बेटी की भी है, तो पता नहीं क्या कर रही हैं, फ़ोन कर रहे हैं उठा नहीं रही हैं। आज देखते हैं फिर से कॉल करेंगे। और आज सवेरे का वेदर मैं बताऊँ क्या ठंडा था, अरे बाप रे, ऐसा लग रहा था कि ठंडक वापस आ गई है। कैसे किसको किसको ऐसा लगा था कमेंट करके बताना फटाफट, इसमें कंजूसी नहीं करना, कसम से बता रही हूँ। सुबह उठी हूँ एकदम लगे कि जैकेट पहन लो, और रखी भी है मेरी एक जैकेट, तो मैं एक या नहीं 2-3 जैकेट मैंने रखी हुई है अपनी अलमारी में, क्योंकि मैं मॉल वगैरह जाती हूँ ना, और स्पेशली पिक्चर देखने मूवी देखने, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है एक हुडी की, ज़रूरत पड़ती है मोटी वाली नहीं, मतलब एक हुडी जस्ट चाहिए रहती है मुझे, क्योंकि मुझे वहाँ पे जो इतना तेज फुल ब्लास्ट में एसी चलता है ना, मैं 3 घंटा नहीं बैठ सकती, किसी हालत में नहीं बैठ सकती। मॉल में ही सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, मैं वहीं पे 2-3-4 घंटा अगर कहीं तो घूमने मेरे तो दम निकलने लगती, मेरे को हुडी चाहिए रहती है। तो मैंने मुझे लगा कि आज तो जैकेट पहननी पड़ेगी निकाल के, लेकिन फिर पहनी नहीं, फिर काम वाम में लग गई, ये हो गया हो गया। और आज देखो थर्सडे था, मेरे को ख्याल ही नहीं रहा मैं ग्रीन कलर का सूट पहन के बैठी हूँ, जबकि मैं हमेशा येलो पहनती हूँ थर्सडे को। बट वही है ना, ठंड ठंड के चक्कर में ये वो करते करते याद ही नहीं रहा। क्या चलो शाम को अगर चेंज किया तो येलो पहन लूँगी, इससे कुछ नहीं, कथा तो करी, पूजा तो करी ना, तो बस यही सब हाल चाल।
चलो अब नीचे चलते हैं, यहाँ बहुत गर्म लग रहा है। मिलती हूँ आप लोगों से नीचे, ठीक है? शाम को चाय पे मिलती हूँ आपसे, अभी तो फिलहाल बहुत हो गया। ये जब उठाने आऊँगी वही इनको धूप लगने दो, इनको अभी धूप की ज़रूरत है, विटामिन डी लेने दो। चल इन सब के चक्कर में, गर्मियाँ धूप और ये आंधी कल आई थी, सब के चक्कर में देखो झाड़ू लगने के बाद भी इतना कूड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर में झाड़ू ही नहीं लगते। पर झाड़ू रोज रखती है, सफाई रोज होती है, बट ये ना पेड़ बेचारे बड़े परेशान। सुबह पानी डालो दोपहर तक एकदम सूख जाते हैं, पता है एकदम ड्राई। अभी देखो सुबह पूरा पूरा सबको पानी दिया गया। वेदर तो भैया कभी ठंडा कभी गर्म, और इस समय देखो हवा इतनी तेज चल रही है। ओह देखो कबूतर तार पे, जूम नहीं होता तो इंसानों के बेचारे क्या ही करें। सोच रही हूँ कल इनको ना इधर छाई में करवाती हूँ, जल जाएंगे सारे। बाकी और वो कमेंट वाले आज भी मैं उनके डालती हूँ दो चार। आप लोगों को देखा बड़े आए हैं, अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग है, इंटरटेन करने के लिए बड़े मज़ेदार है। आप लोग भी पढ़ना, मैं डाल दूँगी यहीं पे, ऊपर नहीं मैं नीचे डालती हूँ या जहाँ भी डालती हूँ जो भी है, तो पढ़ना आप लोग भी। रोज़ डाल दूँगी अगर आते रहे तो, आएंगे पक्का आएंगे। लोग बेशरम होते हैं, उनको इज्जत रास नहीं आती कितने ना, तो वो अपना नाम देख के खुशी हो जाए। चलो जिसमें खुशी मिले उनको। तो इन्होंने क्या लिखा पता नहीं, मैं भूल गई, मैं डालूँगी जब ना यहाँ पे तब देखना। अगर यार एक चीज़ और, मुझे बहुत दिनों से सोच रही थी, पूछूँगी मेरी शॉर्ट वीडियोस की और लॉन्ग वीडियोस में, मैं दोनों में एडिट में खुद से एक्टिंग करती हूँ, कैसी लगती है ये बताओ, कैसी लगती है एडिटिंग? मतलब बेकार है, थर्ड क्लास है, फर्स्ट क्लास है, या ठीक ठीक है, बिलो एवरेज है, या अबव है, क्या है बताना? तो आप जो जो मतलब टेक्निकल जो जानते हैं तो उन्हें तो पता ही होगा, मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, बट बस ऐसे ही कर देती हूँ। तो आप देख के बताना, जो मेरे वाले शॉर्ट वीडियोस है ना जिसमें मैं साड़ी में हूँ, सूट में हूँ, या वट एवर लगाए। रोस्टिंग वाले में तो एडिटिंग नाम कुछ होता नहीं है, देखो वो डायरेक्ट बनते हैं। और एक जन ने पूछा भी था मुझसे, तो मुझे देखो बताना भी था कि कैसे बनता है। वो सोचेंगे कि मैं एरोगेंट हूँ, बताना नहीं चाहती, नहीं बता दूँगी मैं एकदम। कौन थी मैं तो ये भी भूल गई यार। चलो कोई नहीं, वो फिर से आएंगी पूछेंगी तब बता देंगे। और दूसरी बात, हाँ एडिटिंग के बारे में प्लीज़ मेरे को बताओ कि मेरी एडिटिंग कैसी रहती है, और इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए तो वो भी बताओ, क्या ठीक कर सकती हूँ, क्या करना है, कुछ कहीं गलतियाँ करती हूँ तो बताना मुझे। कोई भी वो नहीं है कि कोई मेरी गलती निकाले तो मुझे बुरा लग जाएगा, मैं उसे ब्लॉक कर दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अगर बताओगे तो मेरा ही फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ बेझिझक बताओ कि मेरी एडिटिंग में कहाँ प्रॉब्लम है, और अगर अच्छी है तो तारीफ़ कर देना भाई। देखो दोनों फेयर चीज़ें मुझे, अगर ख़राब है तो मैं वो भी सुनना चाहती हूँ, और अच्छी है तो फिर अप्रिसिएशन भी सुनना चाहती हूँ, ठीक है? तो चलो बताना, कमेंट करके बताना, मिलती हूँ आप लोगों से नीचे। तो गाइस शाम को ही आज मैं ब्लॉग को कर रही हूँ एंड, क्योंकि मेरे को कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉडी एक हो रहा है, और जितना वीडियो बस सुबह बना पाई हूँ बस उतना ही, और बॉडी एक पूरा हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो मुझे वायरल हो रहा हो। तो इसलिए मैं फटाफट जब तक एनर्जी है तो मैं फटाक से ब्लॉग को कर दूं एंड, और थोड़ी देर लेटूंगी दवाई खा के, क्योंकि मुझे 10 बजे तक अभी लाइव के लिए भी वेट करना है। तो ब्लॉग को करी हूँ यहीं पे एंड, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कल मिलती हूँ। टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।